हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कन्वेंटिकल एक्ट। कन्वेंटिकल एक्ट मेनली 1664 में पास हुआ था और ये मेनली इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो जॉन बनियन थे, पहले वो शू मेकर थे, उसके बाद उन्होंने प्रीचिंग देना, सरमन्स देना शुरू किया। और जब उन्होंने सरमन देना शुरू किया तो वो इतने डिवोटेड थे अपने काम के प्रति कि उनके जो सरमन थे वो इतने सुपर होते थे कि जितने भी बिशप्स थे, पोप थे, सबकी छुट्टी कर दी। और जैसे ही उन्होंने सबकी छुट्टी की तो सबको फेल हुई जेलसी और उन्होंने चर्च में जाके बोला कि भाई ये तो हमारा काम होने नहीं देगा। तो उसके बेस पे द बुक ऑफ प्रेयर है, वो जैसे हमारे संविधान की बुक है उसकी तरह है, उस टाइम पे मानी जाती थी। तो उसमें चार्ल्स सेकंड ने रूल बनाया कि जो भी बिना लाइसेंस के प्रीचिंग देगा उसको 16 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो इसी बेस पे जॉन बनियन को भी 12 ईयर्स की सज़ा हुई, बट वो प्रिजन के अंदर भी अपनी प्रीचिंग उन्होंने कंटिन्यू रखी और आफ्टर दैट भी। तो यही थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको पसंद आई। थैंक यू।